आज हम करने जा रहे हैं अपने नीम के पेड़ की रिपोटिंग। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है और छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है। ये देखिए, काफ़ी मोटी इसकी स्टेम हो गई है और ये पॉली बैग में लगा हुआ था और मैंने ये पॉली बैग इसी के अंदर रख दिया, तो ये देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया है इसमें। और इसमें एक दूसरा पौधा लगा हुआ है, ये सिर्स का पौधा है और ये तो मैंने पॉट में लगाया था लेकिन ये छोटा पड़ रहा है दो पॉट उसके लिए। तो अब देखिए हम लगाने किस में जा रहे हैं। ये देखिए, ये है मेरा एक गीज़र 50 लीटर का और इसमें मैंने भर दिया अपने गार्डन की सारी लीव्स इकट्ठा करके। और ये देखिए, ये जो पॉट है ये काफ़ी रूट बाउंड हो गया था और निकालना बड़ा मुश्किल रहा, बहुत मशक्क़त के बाद भी ये नहीं निकला और मुझे ये कंटेनर काटना पड़ गया। तो ये देखिए, ये मैंने काट दिया है और मैं इसे निकाल देती हूँ। ये निकाल दिया है मैंने और ये देखिए, अब आप देखिए इतनी सारी रूट्स हैं इसके अंदर कि दो पौधे हैं और उनकी रूट से देखिए पूरा कवर करके रखा है, बहुत मोटी मोटी सी और चारों तरफ रूट बाउंड हुआ पड़ा है इसका। ये देखिए, ये चारों तरफ रूट्स ही रूट्स हैं और जो इसकी मिट्टी है वो काफ़ी क्लेई मिट्टी है और बहुत हार्ड हो रखी है ये मिट्टी। ये देखिए, तो ये तोड़ना पड़ेगा, ये ऐसे हाथ से तो बिल्कुल नहीं निकलेगी क्योंकि रूट्स भी आई हुई हैं, जड़ें घेरा हुआ है और मिट्टी भी क्लेई है इसकी। तो हम लाते हैं हथौड़ा और मैंने ये देखिए हथौड़े से इसको तोड़ दिया है। घबराइए मत, कोई नुकसान नहीं होगा इसको क्योंकि ये एक्स्ट्रा रूट्स हैं जो कट भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें से निकला है एक जो हम पत्थर लगाते हैं ना गमले में नीचे, वही होल पे, वही है ये। तो इसको हम लूज़ कर देते हैं, जो इसकी जड़ें हैं उनको थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। तो बस अब हम इसको थोड़ा लूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक और चिकनी मिट्टी निकल रही है और पत्थर निकल रहे हैं इसमें। ये देखिए कितनी मोटी जड़ें हैं इसकी, ये पता नहीं मुझे कौन से प्लांट की हैं, या तो हो सकता नीम की हो या फिर इसकी हो, कुछ नहीं पता। तो अब मैं इसे ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी क्योंकि गर्मी का टाइम है, इसको ऐसे ही लगा दूंगी। और ये देखिए, ये अभी भी पॉलीथिन इसमें लगी हुई है, एक्चुअली मैं इसे भूल गई थी इसमें रखकर। तो चलिए, जितनी निकलेगी मैंने निकाल दी है, तो अब हम इसे सेट कर देते हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं मैं इसको, ये देखिए बहुत मोटी मोटी रूट्स हैं, ज़्यादा मैं नहीं निकाल पाऊँगी इसकी मिट्टी क्योंकि गर्मी वैसे ही हो रही है। तो अब हम इसे सेट कर देंगे अपने गीज़र के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लगा दिया है और ये देखिए गीज़र की कुछ जैसे फॉर्म लगी हुई होती है ना, वो निकल रही है इसके अंदर से। बट ये कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी कोकोपीट का काम करेगी। बट फिर भी मैंने निकाल दी, कोई बात नहीं। तो अब हम इसमें फिल कर देते हैं मिट्टी को पूरा, इसे ऊपर तक मैं मिट्टी भर दूंगी यहाँ तक। और देखिए, क्योंकि ये प्लांट बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है इसके अंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा गीज़र के अंदर ये प्लांट जो है तैयार हो गया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये नीम का पौधा मेरे गीज़र के अंदर कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।